पाए। इस पर हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं सोमनाथ भारती जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मालवीय नगर से विधायक हैं और दिल्ली कैबिनेट में पूर्व मंत्री रहे हैं। सोमनाथ जी, सर सवाल आपसे है, केजरीवाल सरकार के फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल ही माकूल विषय चुना है आज के डिस्कशन के लिए। बात उठती है कि भाई ये एलजी साहब का फैसला है कि किसी और का फैसला है। एलजी साहब जो ऑफिस में बैठे हैं एलजी महोदय बन के लिए, तो ये किनके कारण बैठे हुए हैं? संविधान कहता है कि एलजी एंजॉयज द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट डज व्हाटएवर कैबिनेट रिकमेंड्स। सो ये एलजी साहब का फैसला नहीं है, ये भाजपा के केंद्र सरकार का फैसला है, ये भाजपा का फैसला है। और भाजपा क्यों ऐसा फैसला करती है उसका भी उसको समझने की जरूरत है। और क्या ये फैसला असंवैधानिक है? वैसे आप बुरारी जी आ जाए वो भी इस पे चर्चा करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया कि दिल्ली सरकार का क्या दायित्व है और क्या अधिकार क्षेत्र है, उसमें साफ साफ कहा था कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर दिल्ली सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। तो मेरे लीगल नॉलेज में भी और पॉलिटिकल नॉलेज में भी ये फैसला गलत है। एक तो कह सकते हैं गैर कानूनी तो है ही, ये गैर जिम्मेदाराना भी है, क्योंकि आपने कहा जैसे किसी भी घर में होता है ये, मैं अपनी बात रख लूं, मैं किसी भी घर में होता है ये, परिवार में चार बेटे हैं, अब एक बेटा ज्यादा कमाऊ है, ज्यादा अच्छा है, तो माँ समझती है, पिता समझते हैं या परिवार समझता है कि भैया वही सबका देखभाल कर ले, तो ये तो गलत बात है ना। हर परिवार के हर बेटे के पास, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास रिसोर्सेज हैं किसके लिए? अपने राज्य के लिए। अगर उस राज्य को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज हैं तो क्यों दबाव डाला जाए? इसमें तो प्रतिस्पर्धा रहती और भी राज्य के मुख्यमंत्री इससे प्रेरित होते कि भाई अगर केजरीवाल ने अपने यहां कर लिया सारे अस्पताल ठीक कर लिया तभी तो आज उसके लोग आना चाहते हैं, क्यों ना हम उसको उदाहरण मानते हुए अपने यहां भी काम करते। तो मुझे लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है ये, असंवैधानिक है और इससे और राज्यों में न काम करने की होड़ लगेगी। तो कोई बात नहीं, केजरीवाल ने तो बना रखा है अस्पताल, वहां चलेंगे सारे। ये सही है कि इस वक्त जरूरत के वक्त सबको सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन हर राज्य के मुख्यमंत्री का प्राथमिकता डिसाइड करने का अधिकार है कि भाई हमें क्या करना है। तो सबसे पहले दिल्ली वासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि इनकी सारी जरूरतों को माननीय मुख्यमंत्री पूरा करने का प्रयत्न करें। ये क्या देखते हैं आप सर कि आज जबकि इस तरह की स्थिति है तो उसमें आपको क्यों लगा कि हम, क्योंकि यहाँ तो सभी हर राज्य के लोग रह रहे हैं, तो आपने कैसे इस तरह का डिसीजन आपकी पार्टी ने ले लिया कि हम सिर्फ दिल्ली के लोगों को इलाज करेंगे, बाहरी लोगों को नहीं करने देंगे? क्योंकि व्यवहारिक तौर पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। ना ठीक कह रहे हैं, नहीं, स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो आपने कहा कि अन्य राज्यों के लोग भी रह रहे हैं, तो इसमें थोड़ी हमने कहा कि भाई कि जो दिल्ली का पैदा है, जो दिल्ली का मूल निवासी है, दिल्ली में तो हर लोग रह रहा है। मैं भी तो बाहर का हूँ, मुरारी जी भी तो बाहर के हैं, तो कई सारे साथी माननीय मुख्यमंत्री भी बाहर के हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो बिहार के लोग यहाँ रह रहे हैं, जो यूपी के लोग रह रहे हैं, उनको हमने कहा कि आपका इलाज नहीं होगा। ये दिल्ली का निवासी है, जो दिल्ली में रह रहा है, जो दिल्ली में निवास करता है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, कहीं का भी हो, दिल्ली में तो हर राज्य के लोग रह रहे हैं, सबका अधिकार है। ये बेसिकली प्रोपोर्शनल मैकेनिज्म जो है कि भाई जो भी सुविधा है हर राज्य के अंदर उसका उस, जैसे कि आप कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप याद करो हर राज्य के अंदर ना वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वहां के निवासियों का प्राथमिकता है, दिल्ली में नहीं है वो। जैसे बिहार में जो 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 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो कॉलेज हैं वहां कहते हैं भाई जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओगे तो तुम्हारा प्राथमिकता तुमको मिलेगा, पंजाब के निवासियों को पंजाब वाले में प्राथमिकता मिलेगा। तो दिल्ली के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? क्यों दिल्ली ने भी, दिल्ली के लोगों ने भी तो एक मुख्यमंत्री चुना है, तो क्या दिल्ली राज्य के निवासियों को ये प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? ये बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो आर्टिकल 14 का बता रहे थे मुरारी जी? अगर आर्टिकल 14 अप्लाई होता है उसमें, इसमें नहीं होता है।
कि उसी आर्टिकल 14 के तहत अगर बिहार के निवासियों को बिहार के रिसोर्सेज पे प्राथमिकता मिलेगी, तमिलनाडु के निवासियों को तमिलनाडु के रिसोर्सेज पे प्राथमिकता मिलेगी, तो दिल्ली के निवासियों क्यों नहीं मिलेगी भाई? तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई रादर देन जस्ट कमेंटिंग, इस वक्त हर मुख्यमंत्री का दायित्व है कि अपने राज्य में रह रहे लोगों की चिंताओं का समाधान करें। राजेश जी, ऐसा है कि ये बात समझने वाली है कि दिल्ली का रेजिडेंट का मतलब वो नहीं है कि जो बिहार के साथ यहाँ रहते हैं वो नहीं है, बिहार के साथी भी यहाँ रहते हैं वो भी है, यूपी वाले भी, हर राज्य का व्यक्ति यहाँ है, उन सबके लिए है ये। दिल्ली के में निवास कर रहे किसी भी राज्य के व्यक्ति के लिए फैसला है। तो होता यह है कि भाई हमारे पास 4,500 सीटें खाली हैं अभी। अगर हम अलाउ करते हैं कि भाई जो इस वक्त हरियाणा का रेजिडेंट है, जो बगल के प्रदेश का यूपी का रेजिडेंट है, अगर वो भी आकर के यहीं पे इलाज करा ले। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोरोना के लिए ही सिर्फ है ये, कोरोना के काल में ही सिर्फ है ये, ये नहीं कि भाई जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा या जब कोई नॉन कोरोना इलनेस के लिए आना चाहता है उसको को मनाइए। कोरोना काल में जो बेड्स हमने उपलब्ध कराए हैं वो बेड्स पे किसका प्रायर अधिकार है, ये हमने इसकी बात हमने उठाई। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इसमें बड़ा इमोशनल मैटर है और ये कोई हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमें ऐसा कहना पड़ रहा है, ये बहुत इमोशनल मैटर है। कोई व्यक्ति अभी जरूरत, अगर जरूरतमंद है किसी भी राज्य का हो उसका अधिकार है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से मैंडेट लिया, दिल्ली की जनता को पूछा क्या करना चाहिए, तो जो 7,00,000 सजेशन आए हैं उसमें मेजोरिटी ने कहा कि भाई दिल्ली में 3 तरह की व्यवस्थाएं, दिल्ली में जो केंद्रीय अस्पताल है जो एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, रामन और लोहिया है, इस पे पूरे देश का अधिकार है, तो उस पे सबको छूट है कि वो आए और अपना इलाज कराएं। लेकिन जो दिल्ली सरकार के अंदर अस्पताल है, दीनदयाल उपाध्याय है, इन सब पे दिल्ली वासियों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हमारे पैनलिस्ट से। मान लीजिए कि रास्ते में आप जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें एक अपना रिलेटिव है और एक स्ट्रेंजर है, बगल का मनो पड़ोसी शर्मा जी का रिलेटिव है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो किसको आप पहले उठाओगे? लेकिन इस पे एक्शन लेना मुश्किल है सर, हम कोई अच्छा ना फील कर रहे हैं, हमको अच्छा ना फील कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसी बात करनी पड़ रही है। लेकिन यूपी सरकार को, हरियाणा सरकार को, जिसमें दोनों में भाजपा की सरकारें हैं, उनके पास बहुत सारा समय उनको मिला, दो दो टेन्योर मिल गया, अपने राज्य की अस्पतालों पे काम तक नहीं किया। क्या नोएडा में अस्पताल नहीं है, क्या गुड़गांव में अस्पताल नहीं है, वहां के लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? अगर वहां की सरकारों ने अस्पतालों पे काम किया होता, केजरीवाल की तरह काम किया होता, खर्च किया होता, लोगों के जुडिशियस फैसले लिए होते, तो आज ये बात नहीं करनी पड़ती कि किस लहजे में ये, किस किस बैकग्राउंड में ये फैसला लिया गया। और जहां तक बात संवैधानिक और गैर संवैधानिक की है, एलजी साहब का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पे गैर संवैधानिक है, उनका हक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर he cannot decide and it is not who has decided, it is BJP who is playing the card. वहां की सरकारें क्यों नहीं अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती हैं? जब गोरखपुर में 150-200 बच्चे मारे जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कहते कि हम पर हमको काम करना चाहिए? दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है जिसने अपने बजट का 1/4 हिस्सा स्कूलों पे और 13% हिस्सा अस्पतालों पे खर्च किया है। 13% खर्च करने बताइए मुझे भाई, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार 2% खर्च करती है, 3% खर्च करती है, उनकी ड्यूटी नहीं बनती? तो हर सरकार अपने राज्यों के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे, क्यों नहीं करती है वो? मैं कह तो रहा हूं, देखिए तीसरी बार जनता ने केजरीवाल साहब को दायित्व दिया, ठीक है, कुछ तो देखा होगा, जनता के मत पे तो विश्वास करते हैं आप। देखिए कहना आसान है, बातें जब आप ग्राउंड पे उतर के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। आपके बड़े सीनियर साथी भी आप कहते हैं कि नहीं तुमने काम तो किया है यार, आपने बातें सही सही रखी हमेशा ही, तो आपने कभी ऐसी बातें ना की जो सत्य हो उसको आप झूठ बोले। तो कम से कम आप ये तो माने कि हेल्थ के अंदर
मोहल्ला क्लिनिक बनाना, पोली क्लिनिक बनाना, अस्पताल बनाना। दो पोली क्लिनिक तो मेरे यहाँ है, आइए दिखाते हैं। मैंने चूंकि मुझे लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी पिछले कुछ एक महीने के अंदर दो ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, जो हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट की थी दिल्ली दंगे में, उसमें माननीय एलजी साहब ने उसको पलट दिया, जबकि वो निहायत गैरकानूनी फैसला है, निहायत असंवैधानिक फैसला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा था कि भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के अपॉइंटमेंट में दिल्ली सरकार की सुप्रीमेसी रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री की सुप्रीमेसी रहेगी, लेकिन एलजी साहब ने उसको इस तरह से कर दिया जो कि गैर संवैधानिक है। इसमें भी हेल्थ के अंदर में जो किया है ये भी उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माननीय एलजी साहब के पास तीन मुद्दे छोड़ करके और किसी भी मुद्दे पे सिर्फ मुख्यमंत्री फैसला कर सकते हैं। तो ये तो बात ठीक नहीं है, मोरल है इमोरल है वो अलग बात है, लेकिन गैर संवैधानिक फैसला किया है माननीय एलजी साहब ने, ये गलत है और दिल्ली के वासियों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। दिल्ली और जो भाजपा और माननीय एलजी साहब के थ्रू ऐसा फैसला ले रही है तो दिल्ली के निवासियों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। पता नहीं क्या चाहते, इसी दिल्ली ने उनको 7 सांसद दिया, एक सांसद भी काम नहीं कर रहा क्षेत्र में, सब छुट्टियां मना रहे हैं, सर माने चाहिए, इसी दिल्ली के वोटों ने उनको सांसद बनाया था, कहां है वो, एक भी व्यक्ति ग्राउंड पे नहीं काम कर रहा, सारे विधायक आम आदमी पार्टी काम कर रहे ग्राउंड के ऊपर।